नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबर की ओर। NSUI ने मुख्यमंत्री का फूका पुतला। आपको बता दें, बेरोजगारों के साथ की जा रही वादा खिलाफी और बढ़ रहे अपराधों को लेकर NSUI ने रीवा जिले के TRS कॉलेज चौक में पुतला फूका। कार्यक्रम में काफी संख्या में NSUI के सदस्य शामिल रहे। कार्यक्रम के बाद जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि शिवराज मामा बहरूपिया है, जो लगातार रोजगार और मामा भांजे के नाम पर ठगता रहा है। युवाओं का भविष्य दांव पर है, कहीं बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है तो कहीं नशे की दलदल में फंसता जा रहा है। आज आवश्यकता है कि युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी जाए। भोपाल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ पुलिस ने अमानवीय ढंग से व्यवहार करते हुए गिरफ्तार किया है। आइए आपको सुनाते हैं NSUI पदाधिकारियों ने क्या कहा है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। वह तो कहीं लाल फाइल के खड़े हो जी, अपना बच्चे तो सुनते ही हैं। हाँ, शिवराज सिंह चौहान का पुतला आपको गौरव दहन किया क्या है इसका उद्देश्य? अच्छा, अभी कौन है और अपने सर्विस आ जाइए भैया। हाँ, चलो बताओ। जी, आज शिवराज सरकार, शिवराज मामा का मुर्दा पुतला दहन किया है हम लोगों ने, NSUI के साथियों ने। लगातार युवाओं के साथ छल करने वाले इस बहरूपिया मामा का, जो लगातार युवाओं को रोजगार के नाम पर और मामा भांजे के नाम पर ब्लैकमेल करके भावनाओं में बहाता रहा है, आज दर दर की नौकरी और दर दर के लिए भटक रहे हैं युवा। अपने भविष्य को दांव में लगाकर कहीं अपराध में फंसे जा रहे हैं, कहीं नशे की चपेट में आ रहे हैं, कहीं आत्महत्या करने को मजबूर हैं। और ये दमनकारी सरकार युवाओं की सुन नहीं रही है। आज युवाओं को ये सोचना होगा, उनके लिए लड़ना होगा। हमने और NSUI ने, NSUI प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी ने कल भोपाल में पुतला दहन किया, उनके बोर्ड ऑफिस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस के प्रदर्शन किया, उनको विधिवत उनको प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था। पुलिसिया दमनकारी नीति के अपनाते हुए शिवराज सरकार के इशारे में उनके ऊपर हाथापाई हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। कुछ ऐसी जगह उन्हें ऊपर हाथ उठाया गया जो निंदनीय है। हम सरकार की और इस कृत की भर्त्सना करते हैं। आज युवा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एक बात बता दे रहे हैं शिवराज मामा, 10 दिनों के अंदर ये युवा एक नए इंकलाब को तैयार करेगा। ये अभिषेक तिवारी रीवा से हुंकार भर रहा है। आज युवाओं की लड़ाई के लिए ये शुरुआत है, एक सांकेतिक प्रदर्शन है। आगे लंबी लड़ाई होगी, इस चीज़ का इंतजार करें और सरकार के नाक में दम करेंगे। युवाओं के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभिषेक तिवारी अभी NSUI प्रदेश सचिव। तो आपको ये ट्रेलर है, इसकी पिक्चर 10 दिन के अंदर हम आपको दिखा देंगे। धन्यवाद।